नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है मंगलवार का वीडियो और इस दिन भी मेरी तबीयत जो है सुबह के टाइम ठीक नहीं थी, उठा भी नहीं गया था मेरे पे और फिर मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा था। तो फिर दोपहर के टाइम जैसे तैसे करके नहा धो के मैं आई थी किचन में और पीहू के डैडी ही सुबह अपना नाश्ता पानी थोड़ा बहुत जो है वो करके दे के गए थे। तो यहाँ पे मैंने मतलब बच्चों के लिए रात में ही भिगो के रख दिया था। वो कह रहे थे मम्मा साबुत उड़द की दाल जो होती है वो और चावल हमें लेके जाने। तो ऐसा नहीं था क्योंकि रात को मैं ठीक ठाक लेटी और सुबह नहीं उठा गया तो फिर हुआ नहीं काम। तो यहाँ पे फिर ये दोपहर के टाइम में वही बना रही थी, जैसे थोड़ा सा दवाई लेके आराम सा मिला तो यहाँ पे मैंने दाल उबाल दी थी पहले ही, चावल भिगो के रख दिए थे और अब यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ और एक गैस पे मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए। तो बस आजकल कुछ इसी तरीके का चल रहा है कि मतलब रूटीन बिल्कुल ख़राब हो रखा। जब मतलब थोड़ा सा होता है कि आराम सा मिल रहा तो अपने उसी में फिर मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और बीच में तो मतलब मंगलवार के बाद फिर मेरे पे कुछ काम भी नहीं हुआ, ना वीडियो शूट हुई, 2-3 दिन तो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रहा हिसाब। सोमवार की को भी ऐसे ही था, मंगल को भी ऐसे ही था, बुधवार को भी ऐसे ही था। फिर जाके मतलब 2-3 दिन सेटिंग सी होने में लग ही गए थे, पर यह था कि चलिए थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। लेकिन जो इससे अगला दिन था मतलब बुधवार को, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं मेरे पे हुआ कुछ भी, उठा भी नहीं गया। तो फिर आशु को बोल रहा था, मैंने कहा खाना बना दिए हमारा भी, तो वो इधर ही आने लग रही थी तो फिर उसने इधर ही खाना बना दिया था। तो फिलहाल ये था कि मतलब उसके बाद दवाई लेके जो है वो थोड़ा सा आराम हो रहा था तो मैं अपना उसमें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खाना मैंने बना दिया है, दाल बना दी है, चावल उबल गए हैं, मतलब चावल भी बना दिए हैं। तो कृष्णा भी घर में ही था क्योंकि भेजे ही नहीं गए, तो इसीलिए घर में ही घूमते फिर रहे थे सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पे चावल बन गए हैं मेरे, दाल भी बन गई है और बस खाना मेरा बन गया। तो खाना रेडी है, जब वो आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। तो दोस्तों, अब IPL देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए, पीयू के डैडी को आने में टाइम था तो मैंने सोचा चलिए तब तक जो छोटे मोटे से बर्तन बर्तन से पड़े सुबह के नाश्ते पानी के वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो बर्तनों की बास्केट है वो खाली कर ले रही हूँ और ये जो बर्तन है ये मैं धो दूँगी क्योंकि उनके आने में अभी टाइम था पीयू के डैडी के, वो सुबह को जूस वगैरह बना के पी लेते हैं तो इसलिए। तो देखिए बस यहाँ पे मैं किचन के अपने बर्तन वगैरह समेट दूँगी और इसके बाद मैं थोड़ी सी देर सोच रही थी, मैं कहा चलो बच्चों के पास बैठ जाऊँगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल नहीं गए थे लेकिन घर में भी अपना जो है अपना काम पूरा रखते ही हैं, वो करते ही हैं। और वो ये है कि अगर चाहे सारा दिन ना देखूँ तो वो करने के नहीं, लेकिन फिर भी इतना है कि कह दूँ तो वो कर लेते हैं खुद से। तो देखिए यहाँ पे तीनों बहन भाई अपनी पढ़ाई कर रहे, दोनों ही कर रही, प्योर ही कर रही है, कृष्णा को तो मैं ही लेके बैठूंगी तभी वो करेगा। तो यहाँ पे उसका भी होमवर्क आया हुआ था तो वो भी मैं करवा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे अभी तीनों बच्चों को मैं थोड़ी सी देर पढ़ाई करवाऊंगी और उसके बाद जब फिर पीयू के डैडी आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। और वो खाना खाना था और उस खाना खाने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पे 2 दिन तक नहीं उठा गया। तो बस अब इसके आगे फिर जो मैंने वीडियो शूट किया वो बृहस्पति की शाम का था जब हमें बच्चों की यूनिफॉर्म लेने जाना था, क्योंकि पहले इनकी जो हाउस है हाउस ड्रेस जो होती है यूनिफॉर्म वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ा दूंगी मैं, फिर पीयू के डैडी आए हैं तो उसके बाद हम खा रहे हैं खाना, दाल है, चावल है, रोटी भी मैंने नहीं सेकी थी। और बस इसके बाद मैंने जो अपना दोपहर का काम निपटाया और फिर मैं लेट गई और ऐसी लेटी कि फिर मेरे पर 2 दिन बाद जाके उठा गया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है और आज मैं आपको बता दूँ, दोपहर जैसे आया था ना मैं तो तब से गया नहीं, मुझे आज बड़े दिनों बाद आ गई नींद 1 घंटे की और बढ़िया वाली नींद आई जिसे गया। और सो कर उठाऊँ बस अभी ना अभी, और ये दोनों की दोनों छुटकी देख रही थी फ़ोन, फ़ोनों का इतना बच्चों को आते ही एक फ़ोन
अर्जुन का तो खैर ये है, जब पढ़ाई करेगी तो पढ़ाई करती रहेगी, फोन देखेगी तो फोन देखती रहेगी। तो हाँ, सब छोटी है ना अभी, क्लास भी क्लास नहीं है, फिर भी कर लें थोड़ा बहुत। प्यू स्लो थोड़ी सी हमारी वो है, तो खैर बच्चों का तो चलता रहता है जी। मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी है बच्चों की, अब दे देता हूँ यहाँ पे इंदु की डिटेल। इंदु बना रही है चाय, और चाय इलायची वाली है, मसाला चाय भी बना इंदु किसी दिन ना। नुकसान दे, मुझे नुकसान दे जा गर्म चीज। चलो जी, तो फिर कोई बात नहीं, सर्दी में पी लेंगे। और ये ना ये देखो, ये मेरे पेट को लेकर ना कुछ ज्यादा ही मजाक बनाती है, इतना नहीं है बेटा, अब तो कम होगा देखो, अब तो बहुत कम कर दिया, अब तो बहुत कम होगा। वैसे तो ऐसा है मेरा, ऐसे वैसे तो ऐसा है, ऐसा तो आप तब थे जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब भी इससे कम थे तब। तो क्या है, ये मिट्टी नमकीन कहाँ अच्छी लगती है इसके साथ? मुझे तो यही अच्छी लगे, बच्चों को भी यही अच्छी लगे। कल हमें डेंटल टीथ बनवाने हैं, स्कूल बनवाए थे स्कूल में, तो अब जाना है हमें। तुम्हारा क्या क्या रह रहा है स्कूल का ये बताओ फटाफट जल्दी। ड्रेस चाहिए और पिंक कलर की क्ले चाहिए, और क्ले किस लिए? कल डेंटल टीथ बनाएंगे ना जो लकड़ी का। भाई स्कूल वालों ने भी दुखी कर रखा रोल दे ली, अपने आप ही बता रही होगी। देखो नहीं सकती मैं। और भाई कृष्णा भी उठ कर, देख कृष्णा की ना शकल उतरी हुई है, असल में दो दिन हो लिए स्कूल में जा रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा कौन सा कलर है, कैसा कलर है तेरा? मेरा अहिंसा है जो सेकंड नंबर पे आता है। हिंसा क्या होता है? हाउस बना कर रखे हैं अहिंसा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है धर्म, जो कृष्णा का है और दीदी का धर्म, अहिंसा परम परम ये कुछ नाम हो। और फिर उसके बाद आता है अहिंसा जो हम दोनों का है। असल में मेरे याद नहीं है ना बचपन की बातें, तो बचपन में हमारे भी हाउस बना कर थे ना। फिर आता है विवेक जो हम में से किसी का नहीं है, और फिर आता है सत्य जो यीशु का है। फटाफट से पी लेते हैं चाय, और चाय पी के चलते हैं फटाफट से। क्या तो तो जी देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, जब मैं बच्चों की और यूनिफॉर्म लेके गई थी, कि हाउस जो है इनके वो बाद में डिसाइड होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही लेने पड़ते हैं। एक ये शर्ट गुड्डू की मंगवाई थी, उसकी शर्ट पुरानी हो रखी थी तो वो थी, और इनकी दो तीनों बच्चों की हाउस टी शर्ट वगैरह ड्रेस थी पूरी। और फिर उसके बाद हम कृष्णा को डॉक्टर के यहाँ लेके गए, क्योंकि कृष्णा को भी फीवर हो रखा था, तो फिर उसको भी दिखा के लाए। तो ये है अगला दिन यानी कि फ्राइडे का, और मतलब ये है अपना, मुझे इतना भी ना सच में बताऊँ बहुत रहता है कि भाई मैं उठ के अपने बच्चों के लिए कर लूँ, मतलब इतना हो जाए कि इंसान अपना अपना कर ले, ज़्यादा भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इस दिन फिर सुनीता भी आ गई थी आज शुक्रवार के दिन, उसकी तबीयत से ठीक हुई तो वो भी आ गई थी बाद में, मतलब सुबह ही नहीं, लेकिन उसके आने से भी मुझे बहुत राहत मिली। तो देखिए सुबह का टाइम हो गया, मतलब थोड़े से लेट ही हो गए थे हम, 5:30-6 बज गए थे उठने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रात ही तैयारी करके रख दी थी, फ्रांस बीन वगैरह काट के, आलू फ्रांस बीन की सब्जी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। मेरे बच्चों को ये ऐसी सब्जियाँ जो होती है ना, फ्रांस बीन हुए, सेम हुए, मूली हुई, पालक हुआ, या लौकी तोरी, ये बहुत पसंद है इन्हें। पर मतलब बनाती भी हूँ मैं, इतनी नहीं बनाती, लेकिन क्योंकि रूही थोड़ा सा कर जाती है खाने में ये वाली चीज़ें लौकी तोरी, लेकिन पीहू हमारी खुश होकर खा लेती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा दूंगी तड़का अपना, वही जो नॉर्मली तड़का है, और उसके बाद बस मैं फिर साथ के साथ लगा दूंगी आटा। तो
जी देखिए आटा वगैरह मैंने लगा दिया है और यहाँ पे बच्चों के बर्तन वगैरह थे ये भी मैं साफ करके मतलब निकाल के रख दूंगी। और इधर पियो के रेडी कर रहे हैं अपने लिए गर्म पानी, वो लहसुन लेते हैं सुबह को और मेथी, मतलब मेरे उठने से पहले भी अपना एक दो डंगे से करी लेते हैं, कहीं अजवाइन लेना कहीं मेथी दाना लेना, और फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट में लेते हैं लहसुन। तो ये थोड़ी थोड़ी सी देर बाद गर्म पानी से लेते रहते हैं। तो देखिए ये ले रहे हैं और मैं जा ली हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे भी नहा धो के आ गए थे, कान्हा जी को भी नहला धुला दिया था, इन्होंने खुद भी नहा धो ली थी, तो बस मैं यहाँ पे अब इनको बाल बना दूंगी। खुद तैयार हो जाती है दोनों बहनें, बस बाल बनाने रह जाते हैं इनके। तो यहाँ पे मैं दोनों बहनों की कर दूंगी चोटियाँ और इसके बाद बस इनके बाल बनाने के बाद मैं जाऊंगी किचन में रोटी बनाने के लिए और प्यू रूही जो है वो कर लेंगी पूजा। देखिए दोनों को तैयार करके आ गई हूँ मैं किचन में, पीहू जो है वो दिया लगाने के लिए चली गई और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। पीहू के डैडी भी मेरी हेल्प करवा रहे, क्योंकि जब सुबह को थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखा हो जाता है तो हेल्प करा देते हैं, और इन्हें भी पता है कि क्योंकि भाई लग के करवाएंगे तो शायद मैं कर लूँ, अकेली के बस का तो अब मेरे रहा नहीं इतना मैं सही में बताऊँ तो। और इस टाइम इतना लाचार मैं अपने आप को महसूस कर रही ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस लेवल का मैं लाचार अपने आप को महसूस करती हूँ। जिस चीज़ से डर लगता है सबसे ज़्यादा कि नहीं भाई ये ना हो, वही चीज़ें अगर आपके सामने आने लगे तो बहुत दिक्कत होती है। और सबसे मेन यही है कि भाई अपना शरीर ही है और अगर वो ही साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है लाइफ में, भले ही कितना भी। अब पीयू के डैडी भी करते हैं हेल्प, बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि भाई अपना ही नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ही हो जाती है कि जब बिल्कुल लेट ही जाती हूँ तब अपना भी नहीं होता, तो फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपने आप को दिक्कत महसूस होती है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब तो दूसरे पे डिपेंड हो गए। तो आप लोगों के भी बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं योगा वगैरह के लिए, डॉक्टर चेंज करने के लिए और कुछ देसी नुस्खे जो होते हैं उनके लिए भी, तो मैं देख रही हूँ सोच रही हूँ कि कौन सा कहाँ से कैसे कैसे शुरू करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी। अभी इतनी लाचारी महसूस हो रही तो आगे जाके तो खैर क्या ही कहना। तो देखिए बस यहाँ पे जी बच्चे हो गए हैं रेडी, शूज वगैरह इनके मैंने पहना दिए और पीयू के डैडी जाएंगे अब बच्चों को छोड़ने के लिए। राधे राधे बच्चों, बाय। कुछ रहा तो नहीं बेटो? बाय। तो जी देखिए दोनों बेटियां चली गई थी मेरी स्कूल में और ये देखिए पीयू के डैडी लाए हैं चाय बना के। और कृष्णा भी मेरा बीमार हो रहा है, इसको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन एक ही दम से पकड़ लेता है पता नहीं कैसे। तो हम लेके गए थे इसको डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया था कि मतलब इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है और इसीलिए ये जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है, वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो, तो इसीलिए जब भी इसको मतलब स्कूल में भेजते हैं ना तो एक दो दिन ये ठीक रहता है। और इस पूरे हफ्ते सिर्फ ये सोमवार के दिन स्कूल गया मेरा कृष्णा, उसके बाद इसकी तबीयत जो है वो ख़राब ही थी। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं भी पी रही हूँ चाय और कृष्णा को मैंने लिटा दिया, और उठने के बाद बच्चों का थोड़ा सा होता ही है। देखिए इसकी दवाई लेके आए थे तो उन्होंने इसके नेबुलाइज के लिए वो जो आते हैं ना रेपसूल से वो दिए थे, तो यहाँ पे मैं कृष्णा को दे रही हूँ भाप और पीयू के डैडी भी नहा धो के हो गए हैं तैयार।
कुछ देखिए यहाँ पे अब हम लोग पी रहे हैं जूस। पीयू के डैडी ने चुकंदर केले का जूस मिक्स करके दिया है और वो जाने लग रहे हैं दुकान पे। कृष्णा भी पी रहा है थोड़ा सा कि फिर इसको मुझे दवाई देनी थी, और ये हो जाता है तैयार एकदम से जहाँ इसके पीयू के डैडी गए उधर जाने के लिए। तो देखिए बस यहाँ पे मैं इसको दवाई दे दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और इतने टाइम में भी मैं पता नहीं 10 बार बैठी होंगी, मैं 20 बार बैठी होंगी पता नहीं। तो खैर कोई बात नहीं जी, चल रहा है चलाएंगे जैसे भी। तो यहाँ पे कृष्णा को दे दी है दवाई, ये चला जाएगा उधर, और बल्कि इसको ना उल्टी लग गई थी। तो खैर जी कोई बात नहीं, अभी इसको देखती हूँ मैं, बस इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पर ही। आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।